आज का निबंध योग पर है और संभवतः एक हेडिंग बन सकता है कि योग अनुशासित जीवन शैली है, जीवन जीने की कला है। ठीक तो ड्राफ्टिंग से शुरुआत करते हैं, इसकी रूपरेखा बना लेते हैं। प्रस्तावना में कुछ कथन है, कुछ संस्कृत के श्लोक भी हैं, उनका यूज कर लें। इसके बाद हमेशा की तरह हम इसके अर्थ की बात करेंगे। अर्थ के बाद इतिहास क्या रहा है? चूंकि योग एक कला है, इसलिए उसके जो साइंटिफिक डायमेंशन है उनकी चर्चा भी करेंगे। वैज्ञानिक जो पहलू हैं या जो स्वरूप है, प्रकार है, उस सब पर भी चर्चा हो जाएगी। ठीक है, फिर वर्तमान में जो योग प्रचलित है उसकी चर्चा भी कर लेंगे। ठीक है, और फिर वही परिणाम या लाभ क्या है योग से भारत को, योग से उत्तराखंड को, इन सब पर। ठीक है, चलिए। तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती का स्टेटमेंट आपके सामने है, यह वर्तमान की बहुमूल्य विरासत, आज की आवश्यकता और कल की संस्कृति है। ठीक है, संस्कृति शब्द चूंकि बहुत व्यापक है, उसमें जीवन जीने की कला भी शामिल हो जाती है, तो इसलिए हम सिद्ध करेंगे कि कैसे जीने की कला है, कैसे संस्कृति है ये। आज की आवश्यकता ने है, संस्कृति भले ही ना हो लेकिन आज की आवश्यकता है। आज की आवश्यकता का मतलब आज हमें कम से कम मेडिकल स्वास्थ्य के स्तर पर हमें इसकी बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, विरासत है ही, चूंकि भारत इसका जन्मदाता है, इसलिए इससे विरासत से जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड वेट करना। ठीक है ना, तो इस क्योंकि जो टॉपिक है, अगर केवल योग होता तो हम इससे शुरुआत नहीं करते, फिर हम इसके सीधा मीनिंग से शुरुआत करते, लेकिन चूंकि वो जीवन जीने की कला है तो इसलिए हमने उसे, इससे अच्छा स्टेटमेंट नहीं हो सकता, मतलब इस अगर टॉपिक ये है तो पूरा। ठीक है, चलिए। इसके बाद संस्कृत का एक श्लोक है, संयोगो योग इत्तको जीवन परमात्मो, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर से जुड़ने की कला ही क्या है, योग है। कला क्यों शब्द क्यों कर रहे हैं यहां पर, जुड़ना शब्द क्यों किया गया है, कि दोनों क्या हो रहे हैं यहां पर, आपस में जुड़े हैं, यानी एक आत्मा और एक परमात्मा, तो दो लोग जुड़ गए आपस में, तो जुड़ने को भी हम योगी कहते हैं संस्कृत में। तो ये इसका अर्थ है आध्यात्मिक संदर्भों में। ठीक है, अगर हम कृष्ण के अनुसार देखें, जो सबसे बड़े योगी माने जाते हैं, तो योगम कर्मसा कौशलम, अगर आप कोई भी चीज कुशलता के साथ करते हैं, अच्छे कर्मों को, वही योग है। यानी एक तो कर्म को लेना, काम करना, और दूसरा कुशलता को जोड़ देना साथ में। ठीक है, ये है योग, दो चीजें ऐड हो जाती हैं इसमें। कौन सी दो चीजें? मानसिक कुशलता योग्यता, बौद्धिक कुशलता योग्यता और शारीरिक, इन चीजों के बीच में समन्वय हो जाए, तो जुड़ना हो जाए, है ना, एक दूसरे से ढंग से जुड़ जाए, समन्वय हो जाए, तो भी ये योग है।
ठीक है, मानसिक को हम मन कहते हैं, बौद्धिक को बुद्धि कहते हैं, शरीर, इन सब का एक लय में हो जाना, यानी जो मन सोच रहा है वही बुद्धि करे और दोनों जो सोच रहे हैं उसके अनुसार शरीर चले। ठीक है, तो इन तीनों का आपस में जुड़ जाना और उससे कार्य करना ही योग है। ये योग का शाब्दिक अर्थ है जो कि कृष्ण ने कहाँ बताया, गीता में बताया। तो यहाँ कृष्ण ने योग को आध्यात्मिक संदर्भों में नहीं देखा, जीवन की व्यवहारिकता के संदर्भ में देखा, जबकि ये वाली लाइन क्या दिखा रही है आपको, परमात्मा के संदर्भ में दिखा रही है। यानी ये पहला अर्थ आध्यात्मिक हो गया और दूसरा अर्थ सांसारिक या लौकिक अर्थ हो गया, यानी योग शब्द के यहाँ हमें दो अर्थ मिल गए हैं। अगर जो परमात्मा से जुड़ के देखने चाहें, अध्यात्म से जुड़े, उनके लिए भी योग शब्द आया है, और जो इस संसार में रहकर योग करना चाहें उनके लिए भी योग शब्द को श्री कृष्ण ने परिभाषित किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने अर्थ की चर्चा कर ली। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, जो स्लाइड में नहीं है उसे आप लिखेंगे। एक शुरुआत लिख लीजिए, एक शुरुआत और है हमारे पास, वो आप लिख लेंगे। योग से चित्त का, यानी चित्त माने हमारा जो चिंतन है, वो पद से वाणी का एवं बैधक से शरीर का, जिन्होंने मेल किया यानी बनाया जोड़ा, उन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं नमस्कार करता हूं, या हम नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत ये भी मानी जा सकती है, कोई समस्या नहीं इसमें। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और मैंने अर्थ की बात कर रहे थे तो लिखेंगे। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना, युज युज से बना है, जिसका अर्थ है सम्मिलित करना, जिसका अर्थ है सम्मिलित करना। लिखते रहे आप लोग। वहीं गणित में यह जोड़ यानी ऑब्लिक में सम लिख दीजिएगा का पर्यायवाची है, गणित से अलग या बाहर सामाजिक जीवन में, विशेषकर प्राचीन काल में, यह एक पद्धति रही जो मनुष्य को ईश्वर से एकाकार करती थी। अर्थात शरीर और मन का एकात्म। ठीक है, अंततः कहा जा सकता है कि मन, वचन और कर्म
का एक लय में होना ही योग है। ठीक है, अब हम आपको तीसरा मीनिंग बता रहे हैं, वो भी लिखिएगा। वहीं यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, मेडिकल फील्ड में देखें, तो यह प्रकृति और मनुष्य के बीच का सामंजस्य है। और यदि वर्तमान में देखें तो अंग्रेजी का योगा, योग जगह योगा लिखेंगे, का अर्थ है आसन, आसन अर्थात शरीर की विभिन्न मुद्राओं और शरीर की विभिन्न मुद्राओं का समुच्चय अर्थात व्यायाम यानी वर्कआउट। यहां तक आपने अर्थ तैयार कर लिया इसका, ठीक है। तो यहां तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, स्लाइड के अकॉर्डिंग चलें तो। आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को थोड़ा हम बाद में लिखेंगे, अब हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं इसकी हम। योग का सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता में योगी शिव की मूर्ति मिलना है ध्यान मुद्रा में। तो पहला आसन ध्यान मिला और पहला व्यक्ति मिला प्रोटो शिवा आदि शिव, इसलिए उनको पहला योगी या आदि योगी या पहला गुरु भी कहा जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो कंठसार कर झील के पास आदि योगी ने सात ऋषियों के साथ इसे साझा किया। सात इसलिए क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। खैर, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत योग की जन्मभूमि है। अब बात करते हैं इन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक काल की। वैदिक काल में इसका प्रयोग चित्त को एकाग्र रखने अर्थात ध्यान, चित्त को एकाग्र रखने और शरीर की कठिन साधना के लिए हुआ है। जबकि इसके बाद महाभारत काल में देखें, भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पक्षों में समन्वय, स्थापित करने के उद्देश्य से इसे समझाया या के संदर्भ में समझाया। उपनिषद काल में अर्थात छांदोग्य उपनिषद में और अर्थववेद में योग को शारीरिक मुद्राओं से जोड़ा गया है। ठीक है, लेकिन योग को जो व्यवस्थित रूप दिया वो है हमारे पतंजलि साहब, ठीक है, जिन्होंने योग सूत्र लिखा। और यह योग को स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुआ। यद्यपि वो आविष्कारकर्ता नहीं है क्योंकि शिव और कृष्ण पहले ही दे चुके हैं, लेकिन हाँ उन्होंने इसको एक तरीके में
एक निश्चित पद्धति में जरूर बदले। इसके समानांतर देखें तो बौद्ध मॉन्क्स, बौद्ध भिक्षु यानी खुद भगवान बुद्ध जब जंगल में जाकर तपस्या करते हैं तो ध्यान करते हैं। ध्यान तो अपने आप में योग का एक टाइप है या एक अंग है, और उससे फिर वो दक्षिण पूर्व एशिया में, एशिया के पूर्व भाग में फैला इसी रूप में। ठीक है, अर्थात आप लिखेंगे सिद्धार्थ की तपस्या, सिद्धार्थ का ध्यान अष्टांगिक योग में से एक है जो उन्हें बुद्ध बना देता है। उसके बाद महायान शाखा में जरूर लिखिएगा, ऐसे इतिहास की बात कर रहे हैं तो महायान शाखा में योगाचार कौमा हट योग की प्रधानता और बौद्ध धर्म को मानने वाले पूर्व एशिया के देशों में जो मार्शल आर्ट है या जितने भी शारीरिक कलाएं हैं, सुरक्षा के जितने भी तरीके डेवलप किए गए हैं, उन सब में विभिन्न योगों की विभिन्न क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, होता है आज भी। पूरा मार्शल आर्ट ध्यान पर टिका हुआ है। ठीक है, तो जिनको लगता है कि ध्यान का मतलब केवल प्राणायाम है, कपालभाति है, आप समझ लें ये बहुआयामी है, इसलिए हम जीवन शैली बता रहे हैं इसको। जैन धर्म में भी जो उनके महाव्रत हैं उनमें भी योग पद्धतियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये प्राचीन काल में बुद्ध योग का इतिहास आपने दिखा दिया। अब मध्य काल में निजामुद्दीन औलिया को आप जानते हैं कि योगी सिद्ध कहा जाता है, तो उनके नाम में योगी लगने का मतलब ही है कि वो योग या उसकी कोई क्रिया से प्रभावित हैं, और वो क्रिया थी ध्यान। तो ना केवल उन्होंने योग को अपनाया बल्कि योग को लोकप्रिय भी बनाया, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया भारत के सबसे पॉपुलर सूफी संतों में से एक है ना। क्लियर है। और आधुनिक काल में योग का जो व्यापक संदर्भ है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक देखा जा रहा है। ठीक है, जबकि पतंजलि का जो योग था वो अष्टांगिक योग था, अष्टांगिक यानी आठ अंग थे योगों के। तो न चाहे तो लिखना चाहे तो लिख दें, यम नियम ध्यान प्रतिहार धारणा कर्म और समाधि। इसमें एक छूट गया, कोई बात नहीं, कितने से काम चल जाए। ठीक है, तो ये इतिहास दिखाएं अच्छे से, क्योंकि इतिहास में केवल इतिहास नहीं, आप देखो ध्यान से, इस इतिहास में योग के विभिन्न रूप दिखाई दे रहे हैं। मार्शल आर्ट में भी योग है, कृष्ण जीवन के विभिन्न उद्देश्यों में समन्वय को योग मानते हैं, है ना। तो केवल योग के इतिहास नहीं दिखाया आपने, बल्कि आप लिखेंगे कि इस पूरे इतिहास में योग के बहुआयामी स्वरूप दिखाई देते हैं, लौकिक से लेकर अलौकिक, और लौकिक में भी कई सारे स्वरूप हैं। ठीक है, आधुनिक काल में थोड़ा सा और बढ़ाएं इसे। अब इसके प्रचार प्रसार की बात करते हैं। भारत की जन्मभूमि जरूर रही और धर्म के माध्यम से कहाँ फैला, पूर्वी एशिया में, लेकिन पश्चिम एशिया में इसका प्रचार प्रसार आधुनिक काल में हुआ। इतिहास में हम पश्चिम को भी ले लेंगे, यूरोप से लेकर अमेरिका तक को। जब शुरुआत हुई विवेकानंद से, है ना, उसके बाद अरविंदो घोष, महेश योगी, ओशो,
तो ब्रैकेट में लिखते जाएंगे महर्षि योगी का मेडिटेशन, मेडिटेशन ओशो का समाधि योग, यानी इन विद्वानों ने अष्टांगिक योग युद्ध किए, योग की एक दो पद्धतियों को ही लोकप्रिय बनाया और इसीलिए पूरे विश्व में आज भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ के समझाना है। यह इतिहास दिखाने का उद्देश्य यह था कि योगा के कितने स्वरूप भारत में और भारत से बाहर मिले हैं। ठीक है, आप लोग भी शायद महसूस कर रहे होंगे कि जो योग आप करते हैं उससे बहुत व्यापक चीज है। हमारे लिए योग का मतलब कपालभाति, प्राणायाम है ना, भस्त्रिका, ये सब होती है, योग हमारे लिए आसन है, सख्त नहीं। जबकि ये चीजें दिखा रही है कि योग क्या है, जीवन पद्धति है। क्योंकि जीवन पद्धति में जीवन के सभी आयाम, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक सब शामिल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अब एक कला के रूप में, जीवन शैली के रूप में बढ़ रहा है, आगे था भी और बढ़ भी रहा है। ठीक है, इतिहास में कुछ किताबों का नाम लेते हैं, आपके सामने है योग सूत्र, योग भाष्य और योग सार संग्रह। ये सब विभिन्न और भी कई सारी किताबें हैं, लेकिन पॉपुलर किताब मैंने आपको दे दी है, तो ये इतिहास का ही अंग है। महर्षि योगी का जो आपने योगा लिखा है उसका पूरा नाम लिखना जरूर, छूट गया वो, क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसजेंडर मेडिटेशन बोलते हैं उसे, मतलब पृथ्वी पर रहते हुए ईश्वर से संपर्क स्थापित करना, ट्रांसडेंटल बोलते हैं ना उसे, मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को या ईश्वर से प्राप्ति। खैर, या ईश्वर का मतलब कोई देवता नहीं, ईश्वर का मतलब यहाँ एक सुपरनैचुरल पावर से है। ठीक है, अब आते हैं वर्तमान पर, ये तो इतिहास के साथ स्वरूप भी देख लिया आपने। अब वर्तमान में योगा का क्या क्या कैसे विस्तार हुआ है, विस्तार का मतलब योगा किस रूप में विस्तृत हुआ है, ये आपको दिखाना। तो पिछले 30-40 वर्षों में योग बहुआयामी हुआ है, कैसे दिखाएं जरा। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ। तो जब भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति विदेश जाता है तो वहां के लोग उम्मीद करते हैं कि इसको क्या आता होगा, इसे कोई ऐसी शारीरिक मुद्रा आती होगी, इसे ध्यान आता होगा। तो पर्यायवाची बन गया है भारतीय संस्कृति और धर्म का योग, यानी जबकि योग विशुद्ध एक वैज्ञानिक क्रिया है, लेकिन प्रचार प्रसार कैसे हुआ है, धर्म के साथ, संस्कृति के साथ दे। ठीक है, चलिए, एक जीवन शैली बन गया है। जैसे आप जीवन शैली लिखेंगे तब आप इस आर्टिकल को लिखेंगे जो आपके सामने है, ये वाली कि हम आधुनिक तो होते जा रहे हैं लेकिन प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ना उगते हुए सूरज को देखते हैं ना डूबते सूरज को, चांद सितारे हम नहीं गिनते हैं, आर्टिफिशियल पेड़ पौधों से हम अपना घर ड्राइंग रूम सजाते हैं, गौरैया की आवाज सुनने को नहीं मिलती है ना, आज हमारे मेहमान के आने का संकेत कौआ नहीं है बल्कि मैसेज है, आज हमारी दादी की कहानियां नहीं है। इस तरह से आप एक थोड़ा सा जीवन शैली के रूप में दिखाएं कि इन सब को, इन सब से हुआ क्या है कि मनुष्य, यहां लिख सकते हो कि प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना कौन थी, मनुष्य, और वो मनुष्य प्रकृति से इतना दूर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में योग ने, योग के माध्यम से मनुष्य पुनः प्रकृति के पास जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस जीवन शैली में वर्तमान में बाबा रामदेव का विशेष योगदान है, जिन्होंने इसे आधुनिक जीवन शैली का विकल्प बताया है।
ठीक है, उनके कुछ आसन लिख दीजिए जो आप करते हैं, वही उनके ही आसन है वो। तो आज बाबा रामदेव योग के पर्यायवाची हो गए हैं। उन्होंने से एक उपचार बताया है, विकल्प बताया है, तो यहाँ हम योग को उपचार पद्धति के रूप में देख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस उपचार पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरह का क्या नहीं है, कोई प्रिकॉशन नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई मेडिकेशन नहीं है। सामान्य से शारीरिक क्रियाएं, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना इसमें कोई टेस्ट करना पड़ता है मेडिकल साइंस में, ना एलोपैथी में डॉक्टर दवाई कब देगा, जब आपका टेस्ट करा लेगा वो। तो यहाँ कोई पैथोलॉजी टेस्ट भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आधुनिक मेडिसिन फील्ड का, जो कि बहुत कॉस्टली है, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक जो टीवी में ऐड आता है वहाँ का, आजकल विभिन्न स्टार या टीवी सीरियल एक्टर्स एक ऐड कर रहे हैं, किसका, पॉलिसी, कौन सी साइड है वो, policy.com का, कि जैसे हम अस्पताल में भर्ती होते हैं बिल हमारा तेजी से भागता है और लाखों रुपए कब खर्च हो जाते हैं पता नहीं लगता। उन लाखों करोड़ों के खर्च का विकल्प है शून्य लागत वाला योगा। यहां लागत कैसी है, बिल्कुल जीरो है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि मेडिकल साइंस में आज भी कई सारी बीमारियों का इलाज नहीं है, यानी एलोपैथी बेसिकली पोस्टमार्टम वर्क है, बीमारी होने के बाद काम कर सकती है, जबकि योगा बीमारी ना होने देने की गारंटी है। तो आप बीमार ही नहीं होंगे, और हो गए हैं तो ठीक भी होंगे, दोनों चीजें हैं इसमें, है ना। तो केवल क्या नहीं है बल्कि इसे जीवन पद्धति है कि अगर आप इसे फॉलो करते रहेंगे तो आपको बीमारी ही नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। बाबा रामदेव के अतिरिक्त श्री श्री रविशंकर का नाम लिखेंगे, जिन्होंने इसे आर्ट ऑफ लिविंग कहा है ना, जीने की कला कहा है, कि किस तरह से योगा हमें हमारे जीवन को जीना सिखाता है, जिसमें उनकी सुदर्शन क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे शरीर और मन के कनेक्शन को बिठाती है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला स्वरूप है वर्तमान में एरोबिक्स, यानी एक्सरसाइज के साथ योगा, ये एरोबिक्स है, योगा भी हो एक्सरसाइज भी हो, एरोबिक्स हो गया, जो हमारी शिल्पा शेट्टी जी ने बहुत पॉपुलर बनाया है। ठीक है, कुछ विचारकों ने या कुछ जो प्रचारक हैं योगा के, उनका भी आप यहाँ नाम लिख सकते हो, वो आपने भी देखा होगा। एक योगा है हॉट योगा, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, जैसे नाम है आपको बताता हूँ, है ना। हॉट योगा का मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो किया जाता है, इसमें स्वेटिंग होती है। ठीक है, तो जो भी आपको आता है, जैसे आप वो एक साथ साउथ इंडिया के कौन से सदगुरु हैं, उनका भी बहुत वो भी यूज करते हैं योगा के मेथड्स को, उनका नाम भी दे सकते हैं आप। कुल मिलाकर ये कि आज की डेट में हर व्यक्ति ने योगा को अपने तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और सबसे बड़ी चीज आप दिखाएंगे कि योग को नए तरीकों के साथ रेलेवेंट बना दिया है, नए तरीकों का प्रासंगिक बना दिया है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकेंगे आराम से। अब बात करते हैं लोकप्रियता की। विश्व की, भारत को विश्व की देन में आज की तिथि में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण देन आईटी तो तकनीकी है, और दूसरी तकनीकी हमने दी है क्या, योगा। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि 2020 तक इसके जो फॉलोअर हैं किसी भी रूप में वो 50 मिलियन से अधिक हैं, 50 मिलियन से अधिक हैं। प्लस आगे दिखाएं कि यूनाइटेड नेशन भी क्या करता है, योगा दिवस मनाता है, लोकप्रियता है इसकी।
2019 की थीम क्लाइमेट एक्शन रखी गई है, 20 की आपके पास होगी तो आप इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए ये लाभ आप दिखा देंगे मुझे उम्मीद है। मानसिक स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, स्वयं का एहसास है, सामाजिक स्वास्थ्य है, तो ये योगा के और भी लाभ हैं। ठीक है, इसमें से कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लेंगे फिर आगे चल के। अब हम अपने निष्कर्ष की ओर चल रहे हैं, जो बहुत कम लोग इसमें एक पॉइंट डालेंगे, आप जरूर डालें। ये भी विवादित हो चुका है, योगा का क्या है, इससे के साथ विवाद जुड़ गया है और वो अनावश्यक विवाद दिखेगा। ये विवाद कैसा है, अननेसेसरी है। कैसे कि कुछ दूसरे धर्म के लोगों ने इसे हिंदुत्व से जोड़ दिया है कि जो योगा करेगा वो हिंदू है और इस तरह की क्रियाएं हमारे धर्म में क्या है, अलाउ नहीं है। जाहिर सी बात, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, कुछ इस्लामिक लोगों की, लेकिन हम नाम नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे दूसरे धर्म के कुछ संगीन विचारधारा के लोगों ने इसे हिंदुत्व से जोड़ा है और कहा है कि ये इस्लाम में या हमारे धर्म में निषेध है, उसको निगेट है, ये हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो आप लिखेंगे, उन्हीं को जवाब देते हुए योगा ने अपना म्यूट वर्जन भी जारी कर दिया। अभी म्यूट वर्जन क्या होता है, तो जिन लोगों को योगा में ओम से प्रॉब्लम थी, उन्हें लगता था ओम का मतलब हम किसी को, भगवान को याद कर रहे हैं, तो योगा ने कहा कि आप ऐसा करिए, ओम का उच्चारण मत करिए, चुपचाप रह के प्राणायाम कर लीजिए, भस्त्रिका कर लीजिए। तो क्या होगा, ये म्यूट योगा हो गया। यही दिखाता है कि योगा ने अपने आप को स्थापित करने के लिए समय के साथ परिवर्तनों या नई चीजों को भी स्वीकार कर लिया है। और उपलब्धि दिखाएं, पॉपुलरिटी के तौर पर 2016 में यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में सम्मिलित किया। बराक ओबामा ने राष्ट्रपति रहते हुए कहा था कि योग आध्यात्मिक क्रियाओं की वैश्विक भाषा है, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ स्पिरिचुअल एक्शंस। और ब्रिटेन के मेडिकल डिपार्टमेंट ने, अमेरिका के मेडिकल डिपार्टमेंट ने, जिसमें स्पोर्ट्स भी इंक्लूड था, उसमें माना, स्पोर्ट मेडिसिन कहा इसे, स्पोर्ट मेडिसिन ने इसे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जागरूकता का स्रोत माना है। तो कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन यूएस क्या कहता है इसे, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जागरूकता का स्रोत। ठीक है, तो कितना लाभदायक है, पूरा विश्व अपना रहा है, लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उत्तराखंड के संदर्भ में थोड़ा सा एक पैराग्राफ और लिख दें। उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो ऋषिकेश, हरिद्वार योग नगरी के रूप में विकसित हुए, आप जानते ही हैं इस चीज को, खासकर ऋषिकेश तो योग नगरी के रूप में विकसित है, तो उससे पर्यटन, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार है ना। तो उत्तराखंड को क्या लाभ है, आर्थिक लाभ है विशेषकर, तो एक पैराग्राफ उत्तराखंड से जोड़कर आप दिखा सकते हैं, आई थिंक हो जाएगा, उतनी बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप दिखाएं। ऋषिकेश की पहचान योग नगरी के रूप में हो रही है, ऋषि नगरी कहते थे, अब वो योग नगरी बदल रहा है। ठीक है, योगा प्रचार प्रसार आप वहां दिखा सकते हो, कुंभ में, सरकार हमेशा कुंभ में योगा के लिए अलग से प्रमोशन करती है और जितने भी हमारे सन्यासी हैं वो विभिन्न प्रकार की योग क्रियाओं को करते हुए दिखाई दे जाएंगे वहां। कोई सर के बल खड़ा है, कोई जमीन में दबा हुआ है, कोई पानी में कुछ कर रहा है, तो मतलब योगा हवा में भी है, योगा जमीन पर भी, योगा जल में भी है, ये सब दिखाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अंत करते हैं इसका।
भारत वसुधैव कुटुंबकम् सर्वे बंतु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात लोक कल्याण लोक रंजन की कामनाओं वाला देश है, यहाँ लाभ नहीं कमाया जाता, यहाँ कल्याण पर बल दिया जाता है। और आज योग हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक बड़ा जरिया बना है कि सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। आदर्श तो हमने दिखा दिया, लेकिन आज योग ने इसे सिद्ध भी कर दिया कि भारत केवल दर्शन नहीं देता, भारत ने उसके लिए एक्शन भी दिया है। तो जो श्लोक मैंने बोला वो दर्शन था और योग उसका एक्शन है। ठीक है, और दिखा सकते हैं इसमें जितने भी वर्ल्ड के बड़े प्लेयर्स हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका एक योगा ट्रेनर होता है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तराखंड के भारत के युवाओं के लिए रोजगार की विशेष सुविधा ये दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज है साइंटिफिकनेस, इसके साथ कोई भी अंधविश्वास नहीं है, कोई बुरी परंपरा नहीं जुड़ी हुई है। तो ये पश्चिम पर, पश्चिम संस्कृति पर जीत के रूप में भी देखा जा सकता है कि अगर वो विज्ञान पैदा करते हैं जैसा कि वो मानते हैं तो उसके हजारों साइड इफेक्ट हैं, लाखों साइड इफेक्ट हैं। ठीक, लेकिन अगर हम कोरोना जैसा संस्कृति मेथड डेवलप करते हैं, सॉरी योग जैसी, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आराम से आप लिख पाएंगे इसे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आई थिंक नहीं होना चाहिए कोई डाउट, वीडियो आप लोगों को थोड़ी देर में मिल ही जाएगा। ठीक है, सफिशियंट है। कल क्लास का टाइमिंग, टेस्ट का टाइमिंग मॉर्निंग में रख देते हैं। आप लोग ग्रुप में अपडेट कर देना क्या टाइमिंग आप लोग चाह रहे हैं। 9 बजे भी ले सकते हैं, 9 बजे का टाइम। ठीक है फिर। हाँ मीनाक्षी, ठीक है, ओके सर, ओके, टेक केयर, ओके, थैंक यू सर।